जय हिंद। हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, गोपालगंज का लाल देश की रक्षा करते हुए मोनू शर्मा पंजाब के पटियाला में शहीद हो गए थे। बिहार का लाल मोनू कुमार शर्मा, बताया जाता है कि बीते दिन पंजाब के पटियाला में इलेक्ट्रिक सर्किट होने से शहीद हो गए थे। आज शहीद जवान के सेना के विशेष प्लान से पार्थिव शरीर के पैतृक निवास स्थान महेचा में लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखते ही मां और पिता का रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों के जनसैलाब उमड़े थे और सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद मनु शर्मा तेरा नाम रहेगा, नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक क्षेत्र मीरगंज। बताया जाता है कि मीरगंज का वीर सपूत जवान मोनू शर्मा वर्ष 2016 में भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुआ था। बचपन से ही उनका मन था कि हम देश के लिए सेवा करें, अन्यथा यह जवान अपने प्राण को आहुति दे डाले। बताया जाता है कि मोनू शर्मा वर्ष 2016 में भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुआ था। मोनू शर्मा अपने माता पिता का सबसे छोटा बेटा था, जो कि देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे डाले। शहादत से इनकी माँ और पिता का रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। आज शहीद जवान के पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर लाया गया तो पार्थिव शव को देखते ही माँ और पिता सभी तिरंगे में लिपट कर रो रो कर हालत सभी का बेहोशी बन चुका था। लोग इनके संभालने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि मोनू शर्मा चार भाई थे। चार भाई में सबसे छोटा भाई मोनू कुमार शर्मा था। मोनू शर्मा अभी अविवाहित था। मोनू शर्मा का शादी नहीं हुआ था, लेकिन परिजनों का कहना है कि इनको शादी होने की तैयारियां घर पर चल रही थी। बताया जाता है कि मोनू शर्मा पंजाब के पटियाला में शॉर्ट सर्किट होने से कारण यह जवान शहीद हो गए थे। आज शहीद जवान के सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक निवास स्थान पर लाया जा रहा था, जहां पर पार्थिव शव को लेने के लिए हजारों दस हजारों की जनसैलाब उमड़ पड़े थे। सभी शहीद जवान के अंतिम यात्रा में जैसे ही डीजे का गाना का आवाज़ सुन रहे थे, उसी प्रकार से सभी का मन दहला रहा था और सभी का आँख नम हो जा रहा था। शहीद जवान के अंतिम यात्रा में डीजे में, बताया जाता है कि देशभक्ति गाने के साथ शहीद जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गाँव में पहुँचाया गया, जहाँ पर गांव में सभी पार्थिव शव को देखते ही सभी का आँख नम हो गया था, क्योंकि गांव का बेटा देश के लिए सरहद पर शहीद हो गए थे। सभी गांव के बेटे के पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर गुजर रहा था तो लोग इनके पार्थिव शव को देखते ही सभी का आँख नम हो जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि यह जवान मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का मीरगंज का रहने वाले थे और यह जवान देश की सेवा देते हुए अपने प्राण को आहुति दे डाले। पंजाब के पटियाला में टेक्निकल के पद पर कार्यरत थे, जहां पर बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे डाले। शहादत से पूरे घर परिवार पर मातम का माहौल बन चुका था। बताया जाता है कि आज शहीद जवान के पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। अगर शहीद जवान मोनू कुमार शर्मा के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान मोनू कुमार शर्मा का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनकी परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पेज पे भी नए जुड़े हो तो फेसबुक पेज को अभी फॉलो कर ले और वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, ताकि शहीद जवान के कमेंट बॉक्स के जरिए जय हिंद जरूर लिखे और सोशल मीडिया के जरिए विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।